बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बनाई है, जिसका 23 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अवधारणा सुदृढ़ होगी तथा महिलाओं के सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। जिसके संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया कि सामाजिक कुरीतियों जैसे कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह एवं बालिकाओं के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच जैसी प्रतिकूलताओं के कारण अक्सर बालिकाएं अपने जीवन संरक्षण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। इस परिवेश की दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के रूप में नई पहल की जा रही है। इस योजना के तहत कुल 15,000 रुपये की धनराशि 6 श्रेणियों में प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रथम श्रेणी बालिका के जन्म होने पर ₹2,000, द्वितीय श्रेणी बालिका के एक वर्ष तक पूर्ण की टीकाकरण के उपरांत ₹1,000, कक्षा 1 एवं 6 में बालिका के प्रवेश के उपरांत ₹2,000, कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश के उपरांत ₹3,000, 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक डिग्री में प्रवेश के उपरांत ₹5,000 दिया जाना है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया। जी, मुख्यमंत्री जी का एक फ्लैगशिप योजना है, शुभ मंगला योजना है, कन्या शुभ मंगला योजना। उसी के अंदर जो क्या है, जो लड़कियां जन्म लेते से उन्हीं का जो 18 साल पूरा होने तक का जो फ़ायदा गवर्नमेंट देती है, उसी का हर विभिन्न स्टेज पे देने के लिए योजना है। तकरीबन 15 लाख तक का एक लड़की का जो फ़ायदा मिलेगा, जन्म लेते हुए उनको ₹2,000 मिलेगा। उसके बाद टीकाकरण जो कंप्लीट एक साल में कराने के बाद, फिर अतिरिक्त उनका ₹2,000 का पैसा मिलेगा। किस दिन जो क्लास में जाके जो एडमिशन होता है जो कक्षा 6 में, फिर अतिरिक्त उनका धनराशि मिलेगा। उसके बाद किसी दिन जो कक्षा 9 में वो एंटर करेगी, उसी पे भी अतिरिक्त एक धनराशि मिलेगा। उसके बाद किसी दिन तो वो जा करके कॉलेज में एडमिशन लेगी, ₹5,000 का अतिरिक्त धनराशि मिलेगा। एक तरफ से एक अच्छा योजना है, ताकि आप जानते हैं ये जो हमारा जो सोसाइटी में, समूह में लड़की के बारे में जो है ना, मतलब एक तरफ बोझ के रूप से जो समझते हैं, उसी का दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने पहल किया है। और एवं जो लड़की का जो पढ़ाई और उनका जो सुविधा बढ़ाने के लिए, एक तरफ से ये पूरा पैसा सीधे सीधे जो उनका लाभार्थी का अभिभावक का खाता में चले जाता है, उसका हम लोग पूरा तैयारी कर लिए। 23 तारीख को यहाँ लॉन्चिंग होने वाली है, उसका साइट अब लॉन्च होगा। उसके बाद 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लॉन्च कराएंगे, उसके बाद ये योजना हमेशा के लिए चल पड़ेगा। किसी जानकारी लेना इसका अभी तो फिलहाल, अभी साइट 23 से लागू होगा। हम जानकारी आपको लेना है तो फिर हर ब्लॉक में उसका फॉर्म अवेलेबल है, हर तहसील में भी अवेलेबल है, कलेक्टर में भी अवेलेबल है। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन अधिकारी हमारा, वो उसका डिस्ट्रिक्ट का नोडल है, उन्हीं से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी का एक सिंपल सी फॉर्म है, आपका आय तो 3 लाख के नीचे होना चाहिए था, घर में 2 लड़की से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए था, ये 2 ही क्राइटेरिया है। बाकी जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, स्वयं भरा करके उसको जमा कराना होता है, उसके बाद उनके खाते में पैसा आने लगेगा। देखिए, जुड़वा के लिए छूट है, यदि मान लीजिए जुड़वा बच्चे हुआ है तो, फिर यदि मान लीजिए तो पहला और दूसरा जो बच्चे हैं जो पैदा होते समय में यदि 2 नंबर में हो गया है, उसी का छूट दे रखा है। उसी परिवार के केवल 3 का संख्या तक का मान सकते हैं हम लोग, बाकी के लिए एग्जम्पशन नहीं, केवल जुड़वा बच्चे के लिए एग्जम्पशन है।